हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम वाटिका सिन्हा, वेलकम टू वाटिका इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे ग्रामर के लिए। मेरे प्रीवियस वीडियोस रहे थे वो लिटरेचर बेस्ड रहे हैं एज वेल एज ग्रामर बेस्ड भी रहे हैं। मेरे सीरीज चले हैं नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, इन सब के लिए। आप उसे जरूर चेकआउट करिए। मैं अपने ग्रामर सेक्शन के लिंक इसमें नीचे मेंशन कर दूंगी, आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप स्कूल में हैं या फिर आप किसी जॉब के प्रिपरेशन में हैं, मेरे आने वाले वीडियोस होंगे जो किसी जॉब बेस्ड पे होंगे, जो कि गवर्नमेंट अभी बहुत सारे निकल रहे हैं वैकेंसीज, उनके लिए सीरीज चलेंगे, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आज हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन के लिए। जैसा कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा, तो प्रोनाउन में मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव सभी प्रोनाउन को कवर करने के लिए बोला था। अभी उसमें बात चल रही थी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए, तो फर्स्ट सेकेंड सीरीज आ गए थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, उसका रिकॉल एक बार कर लेते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, इन सबको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस मैंने बताया था सिंगुलर के लिए, तो उसी के प्लूरल के लिए हम लोगों ने दिस यूज किया था, जो कि स्पेलिंग था टी एच ई एस ई। कंफ्यूजन होता है दिस और दिस में, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। एक और मैंने बताया था डैट, दूर के चीजों के लिए, उसका प्लूरल मैंने बताया था दोज। ये प्रोनाउंसिएशन तो काफी अलग है, आप लोग पहचान पाएंगे, टी एच ओ एस ई दोज होता है। लेकिन अब बात आती है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कंफ्यूजन तब क्रिएट होता है कि क्वेश्चंस को किस तरह से देखें। एग्जाम में बेसिकली तो आने वाले आपके क्वेश्चंस ही हैं, रूल तो आएंगे नहीं, कोई भी रूल नहीं आते। लेकिन जब तक आप रूल नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में रिकॉल करना मुश्किल हो जाएगा कि ये सेंटेंस फॉर्म कैसे हुआ। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, 10 क्वेश्चंस के सीरीज हैं, जिसमें आपके कोई भी एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चंस मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। आज उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ब्लैंक इज अ गिफ्ट फ्रॉम माय अंकल। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का फर्स्ट क्वेश्चन, इज अ गिफ्ट फ्रॉम माय अंकल। अब देखिए यहाँ पर गिफ्ट है, गिफ्ट क्या है? जैसा कि मैंने बताया था कि गिफ्ट एक सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हमेशा दिस यूज होता है या डैट यूज होता है। अगर हम लोगों ने दिस यूज किया या दोज यूज किया तो वो प्लूरल के सेंस में हो जाएगा। तो सिंगुलर के लिए गिफ्ट यहाँ पर है, गिफ्ट खुद में सिंगुलर है, तो इसके लिए जो वर्ड आएगा दैट इज दिस। इसके लिए आप लोग कभी भी दिस नहीं लिखिएगा। अगर यहाँ पर गिफ्ट्स होता तो देखिए यहाँ भी चेंजिंग हो जाता, यहाँ इज नहीं हो कि आर होता, वर्ब में चेंजिंग हो जाता। तो दो हिंट्स यहाँ पर ऑलरेडी दिए हुए हैं। अगर इज दिया है इसका मतलब कि ये आगे दिस को लेगा, अगर यहाँ पर गिफ्ट दिया है इसका मतलब कि ये सिंगुलर को लेगा, और सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दिस और डैट होता है, इसलिए यहाँ पर दिस जाएगा। यहाँ पर गिफ्ट्स होता तो यहाँ पर दिस के लिए सोचा जा सकता था। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते। सेकेंड क्वेश्चन देखते, दिस स्कूटी इज बेटर देन क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ पर बोल दिया गया कि ये स्कूटी जो है, दिस का मतलब होता है यह स्कूटी जो है, स्कूटर, बाइक जो भी है वो अच्छा है। यहाँ बेटर यूज हुआ है, कंपैरेटिव सेंस में यूज हुआ है, तो यहाँ पर कंपेयर किया गया है। तो दिस का कंपेयर हम लोग किससे करेंगे? आप लोग आम बोलचाल में भी देखते होंगे हम लोग जब दिस डैट यूज करते हैं। आई बात समझ में? दिस का हम लोग डैट यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए, तो यहाँ पर डैट यूज करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, द क्लाइमेट ऑफ पुरी इज बेटर देन ब्लैंक ऑफ पटना। मैंने बताया था रूल्स के टाइम, जब मैंने रूल को डिफाइन किया था उसमें मैंने बताया था कि जब दो चीजें जो दोनों सिंगुलर है, जब उसमें हम चीजों को कंपेयर करते हैं तो वहां दोनों में डैट आता है। पहले में अगर द क्लाइमेट ऑफ लिखे तो सेकेंड में डैट ऑफ लिखेंगे, द एजुकेशन ऑफ लिखे तो सेकेंड में डैट ऑफ लिखेंगे। लेकिन अगर हम लोगों ने बोला द स्कूल्स ऑफ, स्कूल्स क्या है? स्कूल सिंगुलर होता, लेकिन स्कूल्स की बात करें तो वो प्लूरल है, तो वहां दोज ऑफ हो जाएगा। जैसे कॉलेजेस ऑफ लिखे तो वो प्लूरल है, उसका सिंगुलर कॉलेज होता है, तो कॉलेजेस ऑफ के लिए दोज ऑफ कंपेरेटिव यूज होता है। तो यहाँ पर द क्लाइमेट ऑफ पुरी इज बेटर देन दैट ऑफ पटना, ठीक है? दो चीजों में कंपेयर किया गया, क्लाइमेट सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर के अनुसार दैट आया। आप जरूर देखिए कि सेंटेंस में दिस, दैट, दीज, दोज जो हम लोग यूज करने की बात कर रहे हैं वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं, वहां पर हीरो कौन है, वहां पे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है। फोर्थ क्वेश्चन, द मोर यू रीड ब्लैंक द मोर यू विल लाइक इट। यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जितने इस किताब को पढ़िएगा आप उतना उसे पसंद करिएगा। इस चीज को बात
कर रहे हैं हम लोग, पढ़ते हैं उतना हम लोग पसंद करेंगे। एक प्रेजेंट में है, दूसरा जो है वो फ्यूचर में है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, दिस रखेंगे तो सेंटेंस सही होगा, क्योंकि बुक है, बुक क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पर हम कभी दीज नहीं रख सकते, दोज नहीं रख सकते। यह किताब आप जितने पढ़ते हैं उतना आपको पसंद आएगा, इसलिए यहाँ पर दिस होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, द प्लान्स टू कंप्लीट ब्लैंक वर्क हरिडली। अब देखिए, आप लोगों को लगेगा कि प्लान्स के अनुसार हम लोगों को रखना चाहिए दिस, लेकिन हम लोगों को जिसके अनुसार रखना चाहिए वो है वर्क, क्योंकि यहाँ पर किसको कंप्लीट करने का बात हो रहा है। भले प्लान चल रहा है कि हम लोगों को ये काम ऐसे करना चाहिए, उसके लिए प्लान एंड आइडिया डेवलप हो रहे हैं, बट यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट किस चीज को खत्म करने की बात की जा रही है टाइम पे, वो है वर्क। तो वर्क यहाँ पर सब्जेक्ट आके रूप में काम कर रहा है, तो उसके पहले जो वर्ड आएगा वो आएगा दिस। कभी भी इसके पहले दोस या दिस नहीं रखिएगा। वर्क एक ऐसा नाउन होता है जो हमेशा अपने आगे सिंगुलर रखता है, इसलिए यहाँ पर दिस रखे। सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सेप्शन की बात अलग है। मैंने हमेशा से कहा है ग्रामर में बहुत सारे वर्ड एक्सेप्शन में काम करते हैं, इसलिए जनरल फॉर्म में जिस तरह से होता है उसे बताया गया। सिक्स्थ क्वेश्चन, द विंडोज ऑफ दिस रूम आर लार्जर देन ब्लैंक ऑफ द ऑफिस। अब यही क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन थ्री था अब क्वेश्चन सिक्स मिलाइए। यहाँ पर क्लाइमेट था, सिंगुलर था, यह विंडोज है, ये प्लूरल है। अगर क्लाइमेट सिंगुलर था तो उसके लिए दैट ऑफ, लेकिन विंडोज यहाँ पर प्लूरल है, तो इसके अनुसार जो यहाँ पर दैन के बाद वर्ड आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। और डैट का प्लूरल क्या होता है, दोज होता है। कभी भी डैट के प्लूरल में दिस नहीं लिखिएगा, डैट का प्लूरल जो होता है वो दोज होता है। तो द विंडोज ऑफ दिस रूम आर लार्जर देन डैट ऑफ द दोज ऑफ द ऑफिस, क्योंकि विंडोज है इसलिए यहाँ पर दोज आया। आई बात समझ में? दो चीजों को कंपेयर करने के लिए दो चीज रिपीट नहीं करते, जैसे यहाँ पर द विंडोज ऑफ द ऑफिस नहीं लिख सकते। सेवेंथ क्वेश्चन, माई एग्जाम्स आर ब्लैंक मंथ। अगर मान लीजिए एग्जाम में यहाँ पर आ जाए डैट, ठीक है, सपोज करिए एग्जाम में काफी एरर क्वेश्चन को सॉल्व करने को आता है, करेक्ट करने को आता है। अगर सेंटेंस में पूछा गया द माई एग्जाम्स आर डैट मंथ, तो यहाँ पर डैट नहीं लिखिएगा, दिस लिखिएगा, माई एग्जाम्स आर दिस मंथ, इस तरह से लिखेंगे। एग्जाम्स के अनुसार इसको नहीं चेंज करना है, इसको मंथ के अनुसार रखना है। तो मंथ जो है वो सिंगुलर में यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर दिस रखेंगे। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स के अनुसार इसको हम लोग चेंज कर देंगे, दिस या दोज लिख देंगे, नहीं, हम लोगों को मंथ के अनुसार, एग्जाम इस मंथ में है, इस चीज को बताया जा रहा है, तो मंथ के अनुसार दिस को लिखेंगे। एट्थ क्वेश्चन, व्हाट आर, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट आर, मान लीजिए यहाँ पर डैड दे दे, दिस दे दे, इस तरह से पूछा गया कि ये क्या है, व्हाट आर दिस। हम लोग जैसे आमतौर आम बोलचाल में यूज करते हैं व्हाट इज दिस, ये क्या है। अगर व्हाट आर आ गया तो उसके लिए ध्यान देंगे व्हाट आर दिस नहीं होता है, व्हाट आर दिस होगा। व्हाट आर आया, आर के हिसाब से चेंज करेंगे दिस को, व्हाट आर दिस कभी सेंटेंस होगा ही नहीं, What are these हो जाएगा। तो इस तरह से इसको चेंज करके these के रूप में बना देंगे। क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पूछा गया डब्ल्यू एच फैमिली से है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क तो जरूर होना है। नाइन्थ क्वेश्चन, हाउ विल चिल्ड्रेन बी हैप्पी। अगर यहाँ पे मान लीजिए this दे दिया, अगर यहाँ पर this दे दिया, हाउ विल दिस चिल्ड्रेन बी हैप्पी, करेक्शन में आ सकता है। तो अगर यहाँ हाउ विल दिस चिल्ड्रेन आ गया, चिल्ड्रेन क्या है, आप लोगों को पता होगा चिल्ड्रेन प्लूरल, इसका सिंगुलर क्या होता है, चिल्ड्रेन का प्लूरल, चिल्ड्रेन का सिंगुलर चाइल्ड होता है, चाइल्ड का भी उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, चाइल्ड का जो प्लूरल होता है वो चिल्ड्रेन होता है। तो हाउ विल दिस नहीं होगा, हमेशा हाउ विल दीज के रूप में काम करेगा, हाउ विल दिस चिल्ड्रेन बी हैप्पी। तो चिल्ड्रेन के अनुसार इसको हम लोग चेंज करेंगे, जरूरी नहीं है कि इसके पहले वाले के अनुसार चेंज करेंगे, कभी कभी इसके बाद वाले के अनुसार, कभी पहले वाले के अनुसार, सेंटेंस के किस तरह से वो पूछा गया है उसके हिसाब से बदलेंगे। तो चिल्ड्रेन के हिसाब से बदला, तो यहाँ पर दीज नहीं होगा, दिस नहीं होगा, यहाँ पर दीज होगा, चिल्ड्रेन के लिए दीज यूज। लास्ट क्वेश्चन, ब्लैंक इज हिज सेकेंड विजिट टू यूके। मान लीजिए अगर हम लोग किसी को कहते हैं कि ये उसका यूके का सेकेंड विजिट था, ठीक है, तो यू यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम से है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बोलते हैं हीज आया है, विजिट आया है, इस तरह से, और यूके भी आया है, सभी चीजें सिंगुलर में काम कर रही है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दिस इज हिज सेकेंड विजिट टू यूके। ऐसा नहीं है कि हम लोग लिख देंगे दोज इज हिज सेकेंड विजिट टू यूके, हमेशा यहाँ पर दिस के रूप में काम करेगा, सिंगुलर के रूप में काम करेगा।
आई बात समझ में किस तरह से चेंज होता है? अगर आपको लिखना है तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें सभी चीजों को शामिल किया गया है, दिस डैट दिस दोस को किस तरह से यूज किया जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन से हेल्प मिले होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि मेरी अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके। आज का वीडियो बस यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो होगा वो लिटरेचर एज वेल एज ग्रामर सेक्शन के नेक्स्ट टॉपिक के लिए होगा। थैंक यू सो मच।